नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर जहां पूरे देश में कोहराम मचा हुआ है, वहीं दूसरी ओर पहली और दूसरी लहर की ही तरह केजरीवाल ने ओमिक्रॉन वेरिएंट पर भी राजनीति शुरू कर दी है। खुद को जनता के सामने बेचारा बताने वाले और अपनी आदतों से मजबूर केजरीवाल ने एक बार फिर से केंद्र सरकार के आगे भीख मांगनी शुरू कर दी है, बगैर ये जाने कि जिस बात की वो केंद्र से मांग कर रहे हैं उसकी पॉलिसी क्या है। यानी कि केजरीवाल ने जो केंद्र सरकार से मांग की है उसके बाद उनकी खुद की किरकिरी होने लगी है। ये रिपोर्ट देखिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से बूस्टर डोज की अनुमति की डिमांड की है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि दिल्ली में 99% लोगों को पहला डोज लग चुका है और 70% लोग दूसरी डोज ले चुके हैं, लिहाजा अब केंद्र को दिल्ली के लोगों के लिए बूस्टर डोज देना चाहिए। केजरीवाल की इस मांग के बाद दिल्ली सरकार और केंद्र के बीच सियासी तनातनी बढ़ सकती है। इसलिए नहीं कि बूस्टर डोज की मांग गलत है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये मांग ऐसे समय में आई है जब केंद्र के पास इसे लेकर फिलहाल कोई पॉलिसी नहीं है। सूत्रों की माने तो केंद्र की वैज्ञानिक सलाहकार समिति ने इस दिशा में काम करने की सलाह केंद्र को दी है, लेकिन केंद्र की तरफ से अभी कोई जवाब नहीं मिला है। दिल्ली और महाराष्ट्र में इस वक्त सबसे ज्यादा संक्रमित लोग हैं। केजरीवाल की मांग तक संक्रमितों की संख्या 50 का आंकड़ा पार कर गई है। कोविड टास्क फोर्स प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने बताया कि बूस्टर डोज को लेकर संबंधित सभी संस्थाएं एक्टिव हैं। चर्चा के बाद कोई फैसला लिया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बूस्टर डोज को लेकर संसद में भी चर्चा की है। बूस्टर डोज कब दिया जाए, कौन सा डोज दिया जाए, इसको लेकर काम चल रहा है, लेकिन इससे पहले ओमिक्रॉन को लेकर और ज्यादा जानकारी जुटाने की जरूरत है। कुल मिलाकर बूस्टर पॉलिसी पर चर्चा तो हो रही है, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। तो ऐसे में सवाल ये है कि क्या केजरीवाल को ये नहीं पता कि बिना पॉलिसी बूस्टर डोज नहीं लग सकेगा। हैरानी की बात ये भी है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री के मीडिया सलाहकार इस सवाल पर चौंकते हुए नजर आए। उनका कहना था कि ऐसी कोई मांग सीएम ने की ही नहीं है, ये स्वास्थ्य मंत्रालय के संज्ञान में नहीं है। दिल्ली स्वास्थ्य मंत्रालय के एक अधिकारी ने कहा कि ये बात सच है कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने ऐसी कोई मांग नहीं की है, मांग का सवाल भी नहीं उठता। पहले मांग तो बूस्टर डोज पॉलिसी बनाने की होगी। पॉलिसी बनाने के लिए क्लिनिकल ट्रायल, वैक्सीन निर्माता कंपनियों को लाइसेंस देना और दोनों वैक्सीन लगने के कितने दिन बाद बूस्टर डोज दिया जाए ये तय करना होगा। इसमें कई महीने लगेंगे। ओमिक्रॉन पर भी केजरीवाल ने सियासी दाव खेल दिया है, जिसमें वो खुद अपनी ही राजनीति में फंस गए हैं। क्योंकि जब केजरीवाल ने केंद्र से बूस्टर डोज की मांग की, तब लोगों ने केजरीवाल से बूस्टर डोज की पॉलिसी को लेकर सवाल करने शुरू कर दिए, जिसका जवाब उनके खुद के पास नहीं था। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद।